हेलो, गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में और हमारे चैनल सत्यांगी वर्ल्ड में। तो हम अभी जस्ट सो के उठे हैं, बस ब्रश किया है और ये महाराज अभी तक सो ही रहे हैं। तो आज है मंडे और आज है शिव जी का, मतलब सावन का पहला दिन, पहला सोमवार। तो हम दोनों का व्रत है, तो हम लोग अभी, हम दौड़ गए, इनको बिठाने जा रहे हैं और अभी करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज। उसके बाद जल्दी से नहा के, काम निपटा के चलते हैं मंदिर और करते हैं शिव भगवान की पूजा। तो चलिए चलते हैं। तो मेरी एक्सरसाइज हो गई है और इनको भी मैंने उठा दिया। अब देखिए बेड एकदम साफ साफ है, तो सारा काम हो गया है, झाड़ू वाड़ू सब। तो अभी हम चल रहे हैं नहाने और इनको मैंने उठाया था कि एक्सरसाइज कर लो, पर ये एक्सरसाइज छोड़ के चले गए हैं अपनी गाड़ी साफ करने के लिए, क्योंकि भैया जो है बाहर पानी से कुछ काम कर रहे थे। तो हमने सोचा कि वो मोटर तो चल ही रही है और पाइप भी चल रहा है, तो क्यों ना गाड़ी साफ़ कर ली जाए। तो ये बाहर चले गए हैं गाड़ी साफ़ करने, भी आपको दिखाते हैं। मतलब उठते ही बस ब्रश किया, फ्रेश हुए, ब्रश किया और बाहर चले गए हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये देखिए भैया भी मिल गए, जैसे गाड़ी साफ़ करवा रहे हैं। भैया एक एक गंदगी निकल रही है अंदर से। हमारा पूजा पाठ सब हो गया है, हम लोग मंदिर भी होके आ गए हैं और ये बन गया है लंच। तो क्या आलू जो है अभी ठंडा होने के लिए रखा है, क्योंकि टिफ़िन में पैक करना है, ख़राब ना हो जाए। और ये है अभी का नाश्ता, मखाना, एप्पल। तो व्रत की पूरी तैयारी हो चुकी है और हम लोग भी एकदम तैयार हो गए हैं। तो अभी जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और तैयार तो हो ही चुके हैं बैंक जाने के लिए, और इनको थोड़ा जल्दी भी जाना है, कुछ काम है। तो जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लेते हैं, नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, टिफ़िन लगा लेते हैं और फिर चलते हैं बैंक और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। कहने लगे हेलो कौन बोलेगा बैंक से आके, बताओ जरा। हाउ आर यू बैंक नहीं, मैं आज बैंक गए नहीं था, आज ही गए थे अपना प्रशस्ति पत्र लेने। ओ मेरा प्रशस्ति पत्र उठाना जरा सा, मैं दिखाऊं। पहले हम दिखाते हैं। इसको आप लोग आराम से ध्यान लगा के पढ़ सकते हैं। मैं किसी को पढ़ने का जरूरत है, ऐसे लेके बैठे हो, कैदी नहीं होते हैं, कैदी नंबर ऐसे खड़े होते हैं। अभी फिलहाल बेचारे उनको इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि आज व्रत है और बहुत इनको भूख के मारे इनकी हालत ख़राब हो रही है। तो अभी हम आलू बलने रख कर आए हैं। भोलेनाथ की असीम कृपा से ये मुझे प्राप्त हुआ आज ही के दिन। हाँ आज ही के दिन मंडे मंडे। तो हम लोगों ने शाम का नाश्ता कर लिया है, अभी बहुत थक गए हैं, मतलब थक गए हैं। आज फास्ट था ना, और पूरे दिन की जो ट्रेनिंग थी उसके बारे में, और थक गए इतना ज़्यादा सुन सुन के, खाली बैठ के सुनना था और समझना था जो भी चीज़ें थी। तो आपको बता दें कि जो मुझे सर्टिफिकेट मिला है ये इस चीज़ के लिए था कि एक गवर्नमेंट की स्कीम है NRLM, मतलब इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लाइवलीहुड स्कीम मिशन। तो ये जो होता है कि जो सबसे गरीब परिवार जो भी लोग हैं उनके लिए स्कीम है, कि अगर जैसे कि महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो भी हैं, मतलब एक टाइप के लोग, अगर वो समूह बना के कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं या उनको पैसों की ज़रूरत है, तो उसके लिए जो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, तो वो जो लोन्स वगैरह होते हैं वो बैंक में ही दिए जाते हैं, और जो उनको अकाउंट खोल के पैसे दिए जाते हैं स्टार्टिंग के लिए, वो भी बैंक में ही जब अकाउंट खोलेगा तब पैसे दिए जाते हैं। तो इसके लिए था कि मतलब हमारी ब्रांच ने सबसे ज़्यादा अकाउंट खोले थे, सबसे ज़्यादा लोगों को पैसे दिए थे, तो इस चीज़ के लिए था। तो आज जो था वो सावन का पहला सोमवार था, घुस जाओ तुम, जो सावन का पहला सोमवार था। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने क्या किया आज, कुछ खास किया कि नहीं किया? तो बहुत सारे लोगों ने तो आज व्रत रखा, और मैंने जो है ग्रीन वाली चूड़ी पहन ली है, जो कि सावन में पहननी चाहिए। चूड़ी नहीं, कंगन है, पतले पतले वाले। सावन में बहुत लोगों ने पहना था, शालिनी मैडम भी पहन के आई थी आज ग्रीन कलर का, मैंने देखा था, अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन। मैं तो आज सूट भी ग्रीन पहना था। यस यस, गुड गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने तो व्हाइट शर्ट पहना था। मैंने व्हाइट शर्ट पहनी थी। अभी एक बहुत मजेदार केस हो गया है, हमारे जो पड़ोसी हैं, मतलब घर में
वो लड़की अंदर हैं, उनकी बिटिया शायद, और वो घर गई थी आंटी मतलब मामा के यहाँ गई थी, और वो अंदर सो गई और दरवाजा नहीं खोल रही, मतलब सो गई मतलब दरवाजा ऐसे ले नहीं खोल रही, सो गई मतलब, और ऐसे सोई कि ऐसी कौन सी गारंटी भड़बड़ा रहे हैं आज दरवाजा। नशा नशा करके सोएंगे क्या? और जब इतना होश नहीं रहता तो बंद ही नहीं करना चाहिए। अभी जो हैं ऊपर से अनुज भैया गए हैं फांद के, उनके घर जाएंगे तब उठाएंगे, उसको तब उठाएंगे, फिर उठाएंगे। गेट खुलवाएंगे, फिर वो बेचारी आंटी अंदर जाएंगी। बहुत मजा ही ही आ गई। खतरनाक है ये। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा माँ इतनी इतनी गहरी नींद तो तुम भी नहीं सोते हो, मतलब मतलब सोते हो पर इतनी गहरी नींद तो तुम भी नहीं सोते हो। आज तुमने माना कि मैं कम हूँ किसी से, हाँ तो चलते हैं अभी बाहर मुआयना करके आते हैं, तब तक आप लोग सो जाइए क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय बाय, नाइट, गुड जाने सीरम नाइट। लगाने।